सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज अभी जो टाइम हो रहा है 11:30 हो रहे हैं दोपहर के। आज जो है ना काफी ज्यादा स्पेशल दिन है। तो गाइज आज जो है आज संडे है एंड मैं निकला हूँ एक छोटा सा मोटो व्लॉग करने के लिए। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मेरा जो यूट्यूब का पेमेंट है वो आ चुका है एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पिछले दो पेमेंट मैंने ऐसे ही वेस्ट किए, तो ये जो पेमेंट है इससे मैं कुछ बढ़िया सा करने का ट्राई करूंगा। जो भी मेरा पेमेंट आया है भाई यूट्यूब से, तो उस पेमेंट से मैं मम्मी के लिए एक सरप्राइज लेने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी जस्ट निकला हूँ घर से, तो अंजलि भी मेरे साथ आने वाली है, तो फटाफट चलते हैं एंड देखते हैं कि क्या होने वाला है सरप्राइज मम्मी के लिए। मम्मी काफी ज्यादा शॉक होने वाली है ये देख के, बिकॉज जरा सा भी उसको आइडिया नहीं है कि मैं उसके लिए इतना बड़ा सरप्राइज लेके अभी जाने वाला हूँ घर पे थोड़ी देर में। सो काफी ज्यादा मजेदार वीडियो होने वाली है एंड रिएक्शन चेक करेंगे मम्मी की क्या होने वाली है। मैं खुद ज्यादा एक्साइटेड हूँ, वैसे फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ मम्मी के लिए। पता नहीं भाई गाली पड़ेगी कि क्या पड़ेगी, बिकॉज अभी ना घर पे पैसों की भी बहुत जरूरत है। जिसको पता है हमने रिसेंटली एक घर लिया है कल्याण में। मैंने सोचा चलो यार वो सब चीजें तो होती रहेगी, पैसे मैनेज हो जाएंगे, लेकिन मम्मी की जो खुशी है ना इस चीज को देख के वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तो अभी फिलहाल मैं आया हूँ कल्याण स्टेशन, यहाँ से अंजलि आएगी, अंजलि भी मेरे साथ आ रही है, को फटाफट पिकअप करते हैं एंड चलते भाई। आज संडे है ना तो भाई यहाँ पे रश थोड़ी कम है, वरना ये पूरा भरा हुआ रहता है बस और ऑटो से। A few moments later. Good morning. चलो बैठो फटाफट। तो गाइस फाइनली अंजलि आ चुकी है, अंजलि को पिकअप कर लिया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फटाफट वो शॉप में एंड वहाँ से हमें बस डिलीवरी लेने, बिकॉज जो डॉक्यूमेंटेशन था, जो भी फॉर्मेलिटीज थी, पेमेंट था, वो सब कल हो चुका है हमारा। कल भी हम लोग गए थे, आज उसकी हम लोग को डिलीवरी दे रहे हैं वो लोग। सो चलो चल यार। तो यहाँ पे बाइक पार्क करनी पड़ेगी एंड हमारे सामने वो शॉप है इंडिया रेडियो एंड टीवी हाउस। रोड क्रॉस कर दे भाई साहब, चलो भागो भागो भागो। तो गाइज ये रहा वो शॉप इंडिया रेडियो एंड टीवी हाउस, होगा ना अभी डिलीवरी। तो गाइज ये रही वो चीज जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये हम लोग लेके जा रहे हैं मम्मी के लिए गिफ्ट। मम्मी इसको देख के ना लिटरली बहुत ज्यादा खुश होने वाली है। हमारी जो पुरानी वॉशिंग मशीन थी वो खराब हो चुकी थी, तो तभी से मम्मी जो है ना हाथ से ही कपड़े धो रही थी। तो मैंने सोचा मम्मी के लिए एक नई वॉशिंग मशीन गिफ्ट कर दे। तो अभी इसकी डिलीवरी लेनी बाकी है, बस पेमेंट हो चुका है। और अंजलि यहाँ पे टीवी देख रही है, ये वाली टीवी लेनी है, थैंक यू सर। तो गाइज इनका शॉप है, इन्होंने हमें काफी डिस्काउंट के साथ ये वॉशिंग मशीन अवेलेबल करके दी है। अगर आपको कोई भी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कुछ भी लेना हो तो आप इंडिया टीवी रेडियो हाउस में आ सकते हो, काफ़ी पुराना शॉप है ये। एंड सर आपका कोई कार्ड है, कार्ड का आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इनका एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हो। सर थैंक यू सो मच, चलो। तो भाई हमारी वॉशिंग मशीन लोड हो रही है। उठे हाँ थाम, 5 मिनट में आलो। अरे एक काम होता तुम्हारे, हाँ थोड़ा थामा ना, 5-10 मिनट थामा जरा। तो गाइस फटाफट चलते हैं घर पे। तो एक्चुअली ना पापा के जाने का टाइम हो गया जॉब पे, लेकिन मैंने उनको बोल दिया है कि थोड़ी देर रुको, मैं बस आ रहा हूँ घर पे, एक छोटा सा काम है आपसे, क्योंकि अगर वो चले जाते तो सिर्फ मम्मी रहती घर पे। अभी ना दोनों के रिएक्शन चेक करेंगे भाई साहब। वैसे अगर दीदी भी घर पे होती ना तो काफी सही होता, लेकिन ठीक है दीदी का जॉब था तो वो सुबह चली गई है। तो देखते हैं अभी दोनों का रिएक्शन, दीदी वैसे रात को आ जाएगी तो उसका भी रिएक्शन चेक करेंगे हम लोग। भाई काफी ज्यादा नर्वस हूँ, ऐसा लग रहा है कि कहीं डांट ना दे मेरे को, बिकॉज उनको ऐसा कुछ ना जल्दी पसंद नहीं आता। मैं अगर कुछ मेरे दिल से करना चाहता हूँ ना तो उनको कुछ पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने इस बार हिम्मत की। देखते भाई, वैसे मेरे मम्मी पापा है ना जल्दी से रिएक्शन देते नहीं है किसी भी चीज़ को। हम लोग ने ना कल ही जाके वो बुक कर दी थी एंड आज सिर्फ डिलीवरी लेना था हम लोग को, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फटाक से गए और फटाक से आ गए हम लोग। तो फाइनली गाइज हमारा डिलीवर आ चुका है, इतना आत्मा देना है थोड़ा सा। घर पे मम्मी पापा और मामा है, तो देखते हैं अभी तीनों की रिएक्शन क्या होने वाली है। मम्मी पापा इंडिया रेडियो,
पसंद करायला पण मला नेलं नाही तू. सरप्राईज द्यायचं होतं मला. हसा विसा अहो नका सांगू. मस्त कलर आहे, छान आहे. कंपनी पण गोदरेज जुनी कंपनी, काय टेन्शन नाही. कलर पण मस्त आणले. पाणी सोडायचं काय बोलता, साईन करू का? पेन आहे इथे. तेव्हा त्यांचे तेव्हा खुश. तो फाइनली गाइज मशीन जो है घर पे आ चुकी है एंड आप लोगों ने देखे होंगे रिएक्शन मेरे मम्मी पापा के, काफी ज्यादा खुश हूँ अभी फिलहाल मैं अंदर से कि हाँ खुद के पैसे से मैंने कुछ किया है. तो अभी अंजलि और मैं सोच रहे कि कहीं पे जाके कुछ खा लें. आज संडे है, वैसे भी कुछ काम नहीं है, तो यहाँ वहाँ घूमेंगे थोड़ा एंड घर पे चले जाएंगे. तो गाइज अभी अंजलि झुमके देख रही है, उसके लिए इतना बड़ा बड़ा पहनते हो यार. फिलहाल हम लोग आ गए हैं अभी मार्केट में. अंजलि को कुछ थोड़े बहुत सामान लेना था एंड झुमका ले लिया है भाई उसने. एक कल्याण के बारे में बुरा बोलते हो, उड़ा दूंगा आपको. अभी उड़ा देता हूँ देखो. तो पीछे बैठ के भाई इयर रिंग्स पहन रहे, अभी क्या ही बोले. तो गाइज वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. उम्मीद करता हूँ गाइज आपने वीडियो व्लॉग एंजॉय किया होगा. इफ एनी रीजन आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो. चैनल पे कोई नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत ही जल्द हमारे 7000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं. तो फटाफट करवा दो यार 7000. एंड तो मिलते हैं ऐसे कोई नए वीडियो में नए मोटो व्लॉग के साथ. टिल स्टे सेफ स्टे हैप्पी. बाय बाय.